हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ख़राब लैपटॉप बैटरी से आप एलईडी लाइट कैसे बना सकते हैं। आपको इसके लिए पावर बैंक की प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी ख़राब पावर बैंक को चलेगा, उसकी बैटरी निकाल देनी है बस आपको। दोस्तों, मैंने ये पावर बैंक ट्रेन से ख़रीदा था। थोड़े दिन बाद ये ख़राब हो गया था। जब इसको खोला मैंने तो इसमें क्ले मिट्टी निकली थी और छोटी सैमसंग की बैटरी। का कोई बैकअप वगैरह नहीं होता ट्रेन वाला का भी पावर बैंक मत खरीदना। तो इसे हम खोल लेते हैं। तो इसकी ये बैक साइड है, वहाँ पर मैंने LED फिक्स कर दी हैं, इसके कनेक्शन भी लगा दिए हैं। देखो, ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में और ये नेगेटिव वाला नेगेटिव में। साइड पे दोनों जगह वायरिंग कर दी है और बीच में कनेक्शन छोड़ दिए हैं। बीच में जब मेन कनेक्शन लगेंगे तो तीनों LED जलने लगेंगी। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है कि लैपटॉप की बैटरी कैसे सेल कैसे निकालें, तो मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं, वहाँ से सेल पता चल जाएगा कैसे निकलेंगे बैटरी। ये मैंने बैटरी के सेल निकाल लिए हैं और इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन कर लिया है। सब जोड़ दिए, 5 सेल हैं इसमें और उसकी पावर बैंक की प्लेट में लगा दिए हैं। पॉजिटिव वाली वायर पॉजिटिव में और नेगेटिव वाली वायर नेगेटिव में सेल की। और यहाँ से दो वायर ले लिए, ये वाली ग्रीन वाली पॉजिटिव की है और ये नेगेटिव की जा रही है येलो वाली। और ये साइड पे हमने नेगेटिव वायर में से कट कर लिया स्विच लगाने के लिए। यहाँ स्विच की भी वायरिंग कर दी है, स्विच में दोनों तरफ अटैच कर दिया इसको वायर को। अब ये येलो वाली होगी नेगेटिव वायर। अब इसकी बैक साइड को हम लगा देंगे। ये दोनों वायर इसके अंदर से निकाल देनी, यहाँ पे LED के पास होल कर लेने हैं। दो होल जहाँ से इन वायर को निकालेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली। हमने ये दोनों वायर निकाल दिए हैं और पावर बैंक बंद कर दिया है। अब इन दोनों वायर को सोल्डर करेंगे। अब ये दोनों वायर सोल्डर हो गई हैं, कनेक्शन सारे ठीक हैं। अब इसको ऑन करके देखते हैं, ठीक है, लाइट जल रही है। मैं आपको अंधेरे में एक बार इसकी रोशनी दिखा देता हूँ। अब लास्ट में हम इस पर टेपिंग कर देते हैं, जैसे हम हाथ में लेकर जाएं तो कभी इसके कनेक्शन छूटे ना। इसे पूरा कवर कर देते हैं टेप से। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा।